नमस्कार, इंडियन स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वनराष्ट्रोही। भूजल को बचाने के लिए बहुत सी कवायद की जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंच गया है, और इसलिए उसे बचाने की जो मुहिम है वो शुरू की जा रही है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक सख्त नियम बना दिया गया है किसानों के लिए कि अगर 15 जून से पहले उन्होंने धान की रोपाई की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जुर्माने का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। आपको ये बता दें कि हरियाणा में, क्योंकि भूजल स्तर की जो स्थिति है काफ़ी इस वक्त मुश्किल में है, और इसीलिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी चलाई हैं। सरकार जो धान किसान उगाते हैं, क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो सरकार का ये किसानों को कहना है कि आप धान के बजाय दूसरी फसलों का इस्तेमाल कीजिए, दूसरी फसलों का उत्पादन कीजिए, और उसके लिए सरकार उनकी मदद भी कर रही है। अगर धान के अलावा कोई दूसरी फसल किसान उगाते हैं तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ अभी किसानों को दिया जा रहा है, और सख्ती भी बरती जा रही है उन किसानों पर जो 15 जून से पहले धान की रोपाई करने वाले हैं, क्योंकि हीट वेव चल रही है और उस वक्त अगर आप खेतों में सिंचाई भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा, और आप क्योंकि मानसून दस्तक देने वाला है 20 तारीख के आसपास से, तो उसके बाद मानसून की जो बारिश होगी उसमें धान की रोपाई आप कर सकते हैं, और अलग से भी सिंचाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पानी कम लगेगा। ऐसे में सरकार की जो एक कोशिश है ये अच्छी कोशिश है, और इसके लिए किसानों को हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर वो इस नियम का उल्लंघन करते हैं, सरकार की बात नहीं मानते हैं, तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, और 10,000 तक के जो जुर्माने की राशि है उनको भरनी पड़ सकती है। इसलिए किसान सावधान हो जाएंगे। अगर 15 जून से पहले आप सोच रहे हैं कि आप धान की रोपाई करेंगे तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है, और सरकार का ये भी कहना है कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बराबर नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई भी किसान ऐसी हरकत करता है तो उसकी फसल को जाकर नष्ट कर दिया जाएगा, यानी बहुत कड़े जो कदम है वो सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, और ये जल संरक्षण के लिए, ये आपकी बेहतरी के लिए है।